हेलो क्लास सिक्स, नाउ कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये चेक करना है इसमें कि ये जो नंबर गिवन है क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेशियो में बनाएंगे इसको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, सिक्स नंबर उठाया है और इसको यहाँ राइट किया गया है 150, 200, 250, 300। अब इसको रेशियो बनाते हैं 150:200 प्रोपोर्शन 250:300। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो भाई रेशियो है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 250/300, 0 0 कट गया, यहाँ आया 15/20=25/30। अब क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं, 5 3 15, 5 4 20, इसको भी 5 टेबल्स कट करते हैं, 5 5 25, 5 6 30। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3/4, 5/6, अब ये दोनों इक्वल है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 का मल्टीप्लाई 3 से और 4 का मल्टीप्लाई 5 से। तो 6 3 जा होता है 18 और 5 4 जो होता है 20, तो देखिए 18 और 20 इक्वल नहीं है, इसलिए कट, यानी नॉट इक्वल टू। हेंस 150, 200, 250 and 300 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, यानी जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर इक्वल हो जाता है तो प्रोपोर्शन में है, ठीक, इक्वल हो गया तो प्रोपोर्शन में है, और इक्वल नहीं हुआ तो प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर, सॉल्व करने का तरीका यही है, रेशियो बनाएंगे, फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन के अगर फ्रैक्शन बना रहे हैं, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे, नहीं रिड्यूस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे दोनों तरफ इक्वल आएगा तो इक्वल है, दैट मीन्स कि प्रोपोर्शन में है, और अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है, यानी जो गिवन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस, जैसा भी क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वैसा ही सेम करना है। सबसे पहले जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको राइट करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको इन रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, प्रोपोर्शन इक्वल टू लिख लिया। अब देखिए रिड्यूस होगा तो रिड्यूस करेंगे, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा चेक करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स 39 × 235 इधर 141 × 65, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो आ रहा है 199165, ठीक है, क्या आया है 9165, और इधर भी आ रहा है 9165, दोनों तरफ सेम आ रहा है। जब दोनों तरफ सेम है, हैंस फिर जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, वेरीफाई हो गया, वो वेरीफाइड यानी करेक्ट है। क्लियर, सेम आ गया तो वेरीफाइड, और सेम नहीं आया तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तभी गलत आ रहा है, क्योंकि सारा वेरीफाइड ही होगा इसमें। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन प्रोपोर्शन दिया है। सेम प्रोसेस जैसा 1 था, जैसा 2 था, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट कर लेंगे, क्वेश्चन राइट कर लिया हम, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए एक्स न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, कहीं पे भी हो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, x अपॉन 92 = 87/116। इसके बाद आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 116, ठीक है, इक्वल टू 87 × 92, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये है 116 मल्टीप्लाई में, इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में कर दिया आपने। अब क्या मिला आपको, x इक्वल टू 87 × 92/116। अब इसको 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 2 8 11 में से 8 गया बचा 3 3 6 36, तो 4 9 36 29 टाइम में ये कट गया। अब इसको कटते हैं तो 4 2 8 9 में से 8 गया 1,
और 1 to 12 हो गया, 4 3 12 यानी 23 टाइम और 29 टाइम में कट गया। अब देखिए 29 और 87, तो 29 3 जा 87, 29 के टेबल 1 टाइम में और ये 3 टाइम में कट गया। अब क्या आपको मिला, आपको मिला है 3 into 23 ये मिला। अब 3 into 23 तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है 69। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, चाहे x न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसफर करना है और फिर सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ट्रू और फॉल्स इन ईच केस, ट्रू या फॉल्स राइट करना है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई ही, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए ट्रू फॉल्स राइट करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट लिया है, 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर प्रोपोर्शन 12R रेशियो 15R। अब इसको तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, आप प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू फ्रैक्शन में हो गया। अब रिड्यूस करेंगे तो देख रहे हैं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 कट गया। इसको करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 12 जा 60 फिर कट कर रहे हैं 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब आ गया आपके पास 3/4 और 4/5। अब ये इक्वल है या नहीं, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो 3 into 5 और 4 into 4, तो 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16 इक्वल है, नहीं तो कट कर देंगे, नॉट इक्वल टू। हेंस जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, इज फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 6th नंबर, 32 kg is to 36 rupees प्रोपोर्शन 8 kg is to rupee 9। सेम प्रोसेस, ठीक है, सिंबल के साथ लिख लेंगे kg rupees, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में बना लिया, इसको रिड्यूस किया, देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है 4 के टेबल से, 4 8 जा 32 4 9 जा 36 इधर क्या आया आपका 8/9, इधर भी आ गया 8/9, दोनों तरफ सेम है। तो जब दोनों तरफ सेम है तो क्या होगा, ट्रू। हैंस जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू। क्लियर? तो इस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू क्लास।